नमस्कार, गोड्डा झारखंड समेत पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। गोड्डा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर महिला कॉलेज के पास मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के सामान की हुई है चोरी। इससे पहले भी हो चुकी है कई वारदात। पूरी जानकारी के लिए आप रिपोर्ट पर बने रहिए। नहीं थम रहा शहर में चोरी की वारदात। बीती रात भी एक मोबाइल दुकान से लाखों की संपत्ति लेकर चोर हुए फरार। बताते चले कि शहरी क्षेत्र में चोरी की वारदात इन दिनों बढ़ती जा रही है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरों द्वारा निशाना बनाया जाता है और रात के अंधेरे का लाभ उठाकर या तो वेंटिलेटर या फिर दीवार काटकर चोरों द्वारा मोबाइल की दुकान में हमला किया जाता है और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इस भागलपुर रोड में जिस दुकान में चोरी हुई है उसके पीछे महिला कॉलेज का बिल्डिंग कैंपस है और वहां जंगल झाड़ी उगे हुए हैं जिसका लाभ अक्सर चोर उठाते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले भी ठीक बगल वाली दुकान में चोरी की ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था जिसका खुलासा अभी तक हो नहीं पाया है और अब उसकी दूसरी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। गोड्डा के पत्रगवां से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लगातार पुलिस की छापामारी से बालू माफिया का हौसला पस्त। तीसरी बार जब्त किया गया है बालू लदा ट्रैक्टर। देखिए इस रिपोर्ट पर। तीसरी बार अवैध बालू में संलिप्त ट्रैक्टर को पकड़कर थाना लाया गया। पत्रगामा थाना क्षेत्र के चिलरा और गांधीग्राम के बीच से एक अवैध बालू में संलिप्त ट्रैक्टर को पकड़कर थाना लाया गया। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गश्ती दल को देखकर बालू गिराकर यह ट्रैक्टर भाग रहा था, लेकिन छापेमारी की गई तो पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया गया, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया है। जिला खनन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि आए दिन पत्थरगामा प्रखंड के विभिन्न घाटों से अवैध बालू उत्खनन का मामला काफी जोर शोर से उठता रहा है, जिसको लेकर पत्थरगामा पुलिस ने भी कमर कस ली और लगातार छापेमारी करके ट्रैक्टर को जब्त करने का कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके कारण बालू माफियाओं का हौसले पस्त होते जा रहे हैं। देखना है कि आगे चलकर बालू माफिया और पुलिस के बीच क्या गुल खिलता है। गोड्डा के गमरिया से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। गमरिया गांव में पारिवारिक विवाद में युवती ने खाया कीटनाशक दवा। सदर अस्पताल में चल रहा है इनका इलाज। देखिए इस रिपोर्ट में। थाना क्षेत्र के गमरिया गांव की बताया जा रहा है कि युवती का विवाद अपने परिवार में घर के लोगों के साथ हो गया था, जिस कारण गुस्से में आकर उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्थिति में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महागामा पहुँचाया गया, जहाँ से उसे कोटा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर ने उसका जांच किया, आवश्यक दवा देकर के उसे सदर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। गोड्डा के भगैया से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भगैया में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में दो लोगों को मेहरमा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देखिए इस रिपोर्ट में। पक्षों के साथ मारपीट करने वाला दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर मेहरमा पुलिस ने भेजा जेल। मामला भगैया का है, जहां पर मंडल और पासवान के बीच आपस झंझट हुआ था, जिसमें बहुत लोग घायल हो गए थे, जिसको लेकर मेहरमा थाना में SC/ST एक्ट का मामला दर्ज था, जिसको लेकर पासवान और मंडल दो लोगों में आपस में मारपीट हुई थी और जिसमें बहुत लोग घायल हो गए थे। उसको लेकर पासवान के द्वारा मेहरमा थाना में मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो को गिरफ्तार करके गोड्डा जेल भेज दिया। गोड्डा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मेहरमा बेलबड्डा थाना क्षेत्र के खिरोंदी गांव में मुकबधिर किशोरी की दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या। तीन आरोपी उस पर गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट पर। गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के बेलबड्डा थाना क्षेत्र स्थित सीमानपुर खिरोंदी गांव के मुकबधिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या करने के मामले में गोड्डा SP ने खुलासा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी मलिक यादव 48 घंटे के अंदर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसने दुष्कर्म के बाद पहचाने जाने के डर से गला दबाकर हत्या के बाद पत्थर और ईंट से कुचल कर हत्या कर दिया था। पुलिस ने घटना के आरोपी मालिक के साथ लगातार पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराध स्वीकार किया।
झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। झारखंड में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 1056 नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत भी हुई है। मंगलवार को मिले 1056 नए मामलों में से बोकारो जिला में 68, देवघर में 24, धनबाद में 54, दुमका में 22, पूर्वी सिंहभूम में 141, गढ़वा में 17, गिरिडीह में 30, गोड्डा में 9, गुमला से 17, हजारीबाग से 58, जमताड़ा से 14, खूंटी से 14, कोडरमा से 34, लातेहार में 24, लोहरदगा में 17, पाकुड़ में 8, पलामू में 15, रामगढ़ में 67, रांची में 314, साहिबगंज में 22, सरायकेला में 24, सिमडेगा में 27 और पश्चिमी सिंहभूम जिला में 36 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। दूसरी ओर राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिला में 8, बोकारो में 1, कोडरमा में 1, रांची में 1 और पश्चिम सिंहभूम जिला से 1 व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। आपको बता दें कि बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं शिबू सोरेन। मंगलवार को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन बेहतर इलाज के लिए दिल्ली चले गए हैं। राजधानी एक्सप्रेस से शिबू सोरेन को दिल्ली ले गया, वहां से गुरुजी को गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को शिबू सोरेन उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद शिबू सोरेन को इलाज के लिए रांची के मेदंता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से मंगलवार को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदंता अस्पताल से ले जाया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल, झारखंड में 28 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने मंगलवार को बताया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 26 से 28 अगस्त तक, जबकि पूर्वी राजस्थान में 28 और 29 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह 8 बजे हथनी कुंड ब्रिज से 5195 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर पुरानी दिल्ली के यमुना ब्रिज पर 204 मीटर है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।